जी इनका बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हाँ कुछ बोलना था पहले बता दो फिर बिजली का जो बोलना था बताओ। मैडम जी हम इतना इतना बिल आते लाते हैं, बिजली भी काटी हुई है, हमें मकान जल गए थे ना, मीटर नहीं लगे हैं, अभी हम फीस नहीं भर सकते। कह रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट अगर हो जाए। 12 दिन रमजान आ रहा है, हम अंधेरे में क्या करें। कुछ हमें इस बार के प्रोजेक्ट में पिछले साल जो 1.5 किलोमीटर आया था वो पूरा ऊपर वाला जो एरिया था वो पूरा कम्प्लीट हो गया। इस बार आने वाले 1.5 किलोमीटर ये वाला पूरा ये पूरा हाईवे यहाँ से आ रहे हैं। नहीं 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 किनार हमारा जब हवा आती है सब बच्चे बस निकल ये बात करनी पड़ेगी किस तरीके से कर सकते हैं। सरकार तो बोलती है कि देने हैं पैसे, देखते हैं ये, मैं इस पर कमिट नहीं करूँगी लेकिन बात करेंगे कि क्या हो सकता है। देखो ना इसमें क्या है, बेकार लड़के उनको चली नहीं दर्शन कर रही है। आज यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी बारामूला ने एक सैनिटेशन ड्राइव जो कि विमेन लेड सैनिटेशन ड्राइव है वो रखी है। यहाँ पे हमारे जो भी सफाई कर्मचारी हैं वो एक पर्टिकुलर कॉलोनी में रहते हैं और उनकी स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनका एक काफ़ी बड़ा रोल रहता है हमारे सैनिटेशन में, तो एक तरह से उनको इंकरेज करने के लिए और ये पूरा सैनिटेशन ड्राइव हम चलाएंगे ताकि इस कॉलोनी को भी जो है वो सैनिटेशन में लाया जाए। एंड स्पेशली एक मैसेज देने के लिए कि अपना काम जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हम गंद फेंकें उसको कुछ साफ भी करें। सो म्युनिसिपैलिटी तो अपना काम कर ही रही है, सरकार भी अपना काम कर ही रही है, लेकिन ये इंडिविजुअल जो हम सिटीजन्स जो है इंफरादी तौर पे भी और इज्तमाही तौर पे भी हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आस पास को साफ रखें। कि आए मेरे पास कुछ मसाइल तो मैंने इमीजिएटली डायरेक्शन से पास की है जो कंसर्न हमारे ऑफिसर्स हैं कि देखिए दो तीन इशूज़ तो ऐसे हैं जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। बाकी म्यूनसिपल्टी ने भी इनके जो रोड वगैरह है ड्रेन्स हैं वो अपने प्लान में रखा है इस साल, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी नज़र है कि हम बतदरीज इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करते जाएँ ताकि इन लोगों को भी जो हमारी सैनिटेशन में इतना रोल प्ले करें उनको भी फ़ायदा हो।